सर आप उनको बताइए ना किस्सा, वो चिट्ठी वाला एक हैरान होंगे, बड़ा कॉस्मिक कनेक्शन मुझे लगता है। 2005 के अंदर 25 मई को मैं अमेरिका में मेरे ड्रामा के शो कर रहा था और मैं यहाँ पे आया हुआ था। दीवाने हुए पागल फिल्म का कुछ पैचवर्क था और जो ललित होटल है ना वहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ मैं गया सीधा लैंड होके और मैंने घर पे फ़ोन किया स्वरूप को कि मैंने बोला मैं आ गया हूँ लेकिन मैं शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैं घर पे आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो दत्त साहब का कुछ लेटर आया हुआ है। बोला किसका? बोला सुनील दत्त साहब का। बोला मुझे क्यों खत लिखेंगे? बोलते नहीं तुम्हारी बर्थडे है वो विश, बोला मेरी बर्थडे 30 तारीख को, 5 दिन पहले क्यों लिखेंगे? तो बोलते नहीं उन्होंने खत लिखा है। मैंने बोला ठीक है। बाद में स्ट्रेट कट टू जब मैं इनके पास गया था 2 जनवरी 2017 में उनके ऑफिस में बैठ के मैं नरेशन सुन रहा था तो स्वरूप का मुझे फोन आता है कि तुम्हारे ड्रॉअर के अंदर वो लेटर पड़ा हुआ है, दस साहब का क्या करें, बिकॉज आई हैड आस्क्ड हर टू गेट सम डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ड्रॉअर। तो मैंने बोला अभी भी लेटर पड़ा हुआ है? तो एक कमाल का कनेक्शन था और वो लेटर मैंने दिखाया इनको कि दस साहब, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे बर्थडे विशेष वाले जो खत आते हो आप रखते हो फिर थोड़े दिन के बाद निकाल देते हो। ये 12 साल के बाद 2005 से लेकर 2017 तक वो खत पड़ा हुआ था मेरे ड्रॉअर में। एक कमाल का कनेक्शन है, मैं इसे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ये था कनेक्शन कि दर्श साहब का रोल करना मेरे नसीब में होगा शायद।